से पैसा कमाना है तो ऑटो सेक्टर में आप लगा सकते हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और इसमें भी जो ई व्हीकल बनाता है, ई व्हीकल के टॉप मोस्ट कंपनियों में किनका नाम शुमार होने वाला है? महिंद्रा का नाम। महिंद्रा ऑलरेडी ई व्हीकल बना रहा है। आने वाले समय में पेट्रोल, आपको भी पता है कि पेट्रोल महंगा होते जा रहा है ही नहीं, अवेलेबल भी नहीं है, एक दिन खत्म हो जाएगा। और प्रॉब्लम यह है कि चलो महंगा हो सस्ता हो एनवायरमेंट को खराब कर रहा है। इन दैट केस महिंद्रा कंपनी, टाटा कंपनी, ये जितने भी कंपनियां आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें से बहुत सारी कंपनीज ई व्हीकल बना रही हैं। आने वाले समय में आप चार्जिंग वाले व्हीकल चलाओगे, आज भी चला रहे हो बड़ी बात नहीं है। आज महिंद्रा के तो कब से ही ई व्हीकल दौड़ रहे हैं, तो कारें भी दौड़ रही हैं, ठीक है। तो ये हीरो हो गया। मेरे फेवरेट कौन से हैं इनमें से? मेरे पर्सनल फेवरेट है हीरो, ये बहुत एवरग्रीन कंपनी है, आप चाहो जब चाहो तब लगा सकते हो। अशोक लेलैंड, ये मेरी फेवरेट कंपनी है, ठीक है। इसके शेयर तो काफी सस्ता है, इसका एक शेयर 121 रुपए का, 121 रुपए का एक शेयर। मैंने खरीदा था 60 रुपए का शेयर था, 60 रुपए का, अभी डबल हो चुका है, अब जरा सोचो। मेरे पास महिंद्रा के भी शेयर है, मेरी मेरी फेवरेट कंपनी है, अपनी इंडियन कंपनी है यार, मतलब सारी वैसे इंडियन ही है, मतलब ये काफी अच्छी कंपनी है। और टाटा, टाटा तो एवरग्रीन है, आप किसी भी सेक्टर में टाटा के शेयर खरीदो आपको फायदा ही होगा। तो ये सारी ऑटो सेक्टर है, और इसमें से वो आप, और मारुति सुजुकी तो आपको पता ही, शेयर बहुत महंगा है इसलिए मैंने नहीं खरीदा। मारुति सुजुकी का शेयर बहुत महंगा है क्योंकि वो डिमांड में बहुत है ना, सबसे बड़ा जो परसेंटेज है वो इसी कंपनी ने ले रखा है ऑटो सेक्टर के अंदर, तो इसलिए बहुत महंगा है। पर लीडर यही है, इसका शेयर बहुत महंगा है, इतने पैसे हो तो लगा देना, मेरे पास थे नहीं, मैंने कभी खरीदे नहीं। मेरा फेवरेट आपको बता दिया मैंने, किसमें लगा रखा, महिंद्रा में, टाटा में, इसके अलावा मैंने लगा रखा हीरो में, और ये शेयर महंगा है तो मैंने तीन में लगा रखा है, बाकी कंपनियां सारी